Hello friends, talking about healthy blood vessels, I should tell you, and I'm sure you know, that there are two types of blood vessels. One are the arteries, which take the blood for distribution all across the body, which are arteries. They take the blood away from the heart and distribute it to the body. And the veins collect all this blood and then bring it back up to the heart for it actually goes up to the lungs to clean up the blood, and then it gets redistributed again through the heart. So that is how the circulation moves in all of us. So to keep the blood vessels healthy, both the arteries and the veins need to be healthy. So this time today, I'm going to try and tell you something to do which will keep your arteries healthy. The arteries are the bigger, thicker blood vessels, which are blood vessels of supply. They tend to get clogged up with cholesterol, lipids, and calcium, and this causes narrowing or blockages of these arteries. In khoon ki naso mein, agar cholesterol jam jaye, calcification uske upar calcium jam jaye, तो ये आर्टरीज धीरे 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 सुकड़नी शुरू हो जाती हैं और इसके थ्रू ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाता है। अब ये कैल्सिफिकेशन क्यों होता है, ये कोलेस्ट्रॉल क्यों डिपॉजिट होता है, इसके कुछ कारण होते हैं जो कि अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो ये है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको डायबिटीज का कंट्रोल कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, नंबर वन। नंबर टू, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो खून की नसें सुकड़ती हैं, ताकि उसका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल उसी के थ्रू होता है, और वो जब खून की नसें सुकड़ती हैं तो सुकड़ने से वो नसें आगे चल के बंद हो जाती हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल उन नसों के अंदर जम जाता है और उन नसों को सुकोड़ देता है, ताकि उसके थ्रू ब्लड फ्लो कम हो जाए। और इन सब चीजों को बढ़ावा देती है, जैसे कि हम अगर आग में पेट्रोल डालना चाहें तो क्या होगा, आग भड़क जाएगी, और भड़काने का काम करती है टोबैको, सिगरेट, स्मोकिंग। तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे सिगरेट स्मोकिंग, चाहे सिगार स्मोकिंग, चाहे सिगरेलो स्मोकिंग, चाहे बीड़ी स्मोकिंग, चाहे छुट्टा स्मोकिंग, चाहे तंबाकू किसी भी फॉर्म में, जैसे कि वो जो हाथ में खैनी और तंबाकू मुंह में लगाना, या आपका हुक्का या पान में जर्दा किमाम, किसी भी फॉर्म में टोबैको जो होता है वो आपकी खून की नसों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक माना गया है। अल्कोहल, शराब भी ये काम करती है, लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा हानिकारक है खून की नसों की सेहत के लिए। So if you want to keep your blood vessels healthy, stop smoking, control your diabetes, control your blood pressure, control your cholesterol, and stay happy and healthy, exercise regularly, do not eat too many carbohydrates. You can have your fats, you can have your proteins, but reduce the quantity of carbohydrates. Carbohydrates yani sugars, bahut zyada chini, mithaiyan, और इस तरह की जो चीजें होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि इससे हमारी खून की नसों में थक्का जमता है, कोलेस्ट्रॉल जमता है, वो नसें हार्ड होके बंद हो जाती है। जब खून की नसें बंद होती हैं तो ऑब्वियसली जहां की नस बंद होगी वहां पे प्रॉब्लम होगी, हार्ट की बंद हुई हार्ट अटैक, पैर की बंद हुई पैरों का हार्ट अटैक यानी लेग अटैक, दिमाग की नस बंद हुई तो दिमाग का हार्ट अटैक यानी ब्रेन अटैक, यानी के लकवा, फालिज, पैरालिसिस, स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं। तो ये था हमारा एक संक्षिप्त में आपको एक 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 विवरण के अपनी आर्टरीज को किस तरीके से आप कंट्रोल में रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, ताकि ये चलती रहे और जिंदगी भर आपका साथ दे। थैंक यू।